लूनला श्रीनिवास प्रजा एकता पार्टी, ये हमारे राहुल विशाल साहब जो बहादुरपुरा पीएस के पुलिसमैन हैं, उनको कल रात में थोड़ा सा सिंपल एक्सीडेंट हुआ है, उसके वजह से उनके फैमिली लोग हॉस्पिटल्स को लेके गए, तो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी शेयरिंग नहीं कर रहा है। ये परिस्थिति में गवर्नमेंट का वो क्या बोलते हैं अपना, उनका बाध्यता बनता है गवर्नमेंट टेक केयर करना, गवर्नमेंट पूरे हॉस्पिटलों को डायरेक्शन देना, कोई भी सस्पेक्टेड पेशेंट भी आए तो टेस्ट के लिए भिजा के एक कैजुअलिटी मेंटेन करना, कैजुअलिटी हर हॉस्पिटल में कैजुअलिटी मेंटेन करना। पॉजिटिव अगर आया तो उनको COVID-19 को शिफ्ट कर सकते हैं, जब तक तो आपका बाध्यता बनता है सेवा करना, कोई भी आए तो आप कैजुअलिटी में फर्स्ट एड देना, ये हमारा प्रजा एकता पार्टी गुजारिश कर रहे हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से। हमारे KCR साहब तो ये बात बोले कि 60,000 बीमार हुए तो भी हम तैयार है, पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना तैयार है बोल के हमारे KCR साहब प्रेस मीट में बोले, मगर हम समझते हैं कि 20,000 को भी गवर्नमेंट तैयार नहीं है। आप काइंडली ये जो भी आप बस्सी हॉस्पिटल्स के बारे में जो आप बोले वो किधर लगाए, वो किधर आइडेंटिफाई करें, वो पूरा रिक्रूट करो, पूरे तरह से तैयार करो। ये आने वाले दिनों में ये COVID-19 जो कोरोना वायरस है वो रुकेगा नहीं, बहुत रैपिडली स्प्रेड हो रहा है, डेली सौ में बढ़ रहे हैं, डबल होते जा रहे हैं। आप अलर्ट रहना साहब, तेलंगाना गवर्नमेंट से हम गुजारिश कर रहे हैं, प्लीज अलर्ट हो जाओ, आगे बहुत डेंजर परिस्थिति आता है, अभी से अलर्ट हो जाओ, पूरे फंक्शनल्स एंड बस्सी हॉस्पिटल्स को तैयार रखिए, पूरा पैरामेडिकल फोर्सेस को तैयार रखिए। आप जो लॉकडाउन से पहले जो असेंबली में आप बोले थे हजार करोड़ खर्चा करके भी हम आने नहीं देंगे, मगर वो तो आ गया साहब, अभी मेहरबानी करिए, लोगों पे मेहरबानी करिए करके, अभी खर्चा बचाने की टाइम नहीं है, जो हो सकता खर्चा करिए, लोगों को बचा लीजिए साहब, प्लीज हमारा गुजारिश है साहब, हमारा पार्टी का डिमांड है आपका। बोनाला श्रीनिवास प्रजा एकता पांडू है, हम रात के 12 बजे से हमारे भाई को लेके घूम रहे, अपनो किसमें का बहादुरपुरा PS में कांस्टेबल है, तो रात उसको रात में एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद हमारे को फोन आया, घर को फोन आने के बाद हम मैं और हमारा छोटा भाई दोनों मिलके निकले, हमारे चिन्नी भी निकले मिलके, अब उनको लेके गए हॉस्पिटल को, लेके जाने के बाद हॉस्पिटल में नहीं ले रहे थे, पहले गए कि केयर हॉस्पिटल में गए, केयर हॉस्पिटल में थोड़ी देर रख लिए, फिर बाद में भिजा दिए, उसके बाद फिर यहाँ पर गए किंग कोटी में थोड़ी देर रख लिए, फिर भिजा दिए, फिर उसके बाद बजरंग केयर हॉस्पिटल को गए, उसमें थोड़ी देर रखने के बाद फिर भिजा दिए, कोविड का क्या बोलते हैं लंग्स में थोड़ा प्रॉब्लम है बोल के बोले, तो टेस्ट करना है बोल के बोले, टेस्ट तो उसको एक्सीडेंट होके मुंह में से खून निकल रहा, पीछे से खून निकल रहा, उसको ट्रीटमेंट नहीं दे रहे उन्हों, ये कोविड का रिपोर्ट आने के बाद ही उसको ट्रीटमेंट देंगे बोल के हॉस्पिटल हम पूरे घुमा रहे, किधर भी बेड नहीं मिल रहा, नहीं दे रहे, ये बेड का भी सहूलत नहीं है साहब, क्या बोलते ये आने वाला, अब ये वर्षा काल शुरू हो गया, ये रेनी सीजन शुरू हो गया, अब कैसा भी ऐसे रैपिड जंपिंग हो रहे कैसा, ये हमारा तेलंगाना जो KCR साहब जो है ना उन्होंने नहीं कर सक रहे हो। आप कौन से कौन से हॉस्पिटल गए साहब पेशेंट को लेके? ये पहले हम कहे की केयर हॉस्पिटल को गए मालापली, केयर हॉस्पिटल के बाद फिर यहाँ को गए क्या बोलते हैं किंग कोटी के बाद फिर केयर हॉस्पिटल बंजारहिल्स, फिर उसके बाद फिर नीम्स के बाद फिर किम्स, अब किम्स में भी आप कितनी देर रखते हैं नहीं रखते हैं नहीं मालूम हमारे को, किम्स में भी बोल रहे हैं उनको रिपोर्ट क्या बोलते हैं कोविड का रिपोर्ट आने के बाद ही उनको इलाज करते बोल के बोल रहे हैं, वही किसका दूसरा वो रिपोर्ट आने के बाद ही, तो जब तक फिर पेशेंट मर जाना सर। और एक बात है, मेरे आंखों से देखा मैं इतने हॉस्पिटल में 14 केसेस देखा मैं, 14 केसेस हाथों में लेके घूम रहे पेशेंटों को, किधर भी इलाज नहीं हो रहा, किधर भी इलाज नहीं हो रहा, तो मैं बोला बोनाला श्रीनिवास साहब को फोन करके साहब ऐसी ऐसी बात है उनके बोनाला श्रीनिवास साहब को बोला था, तो बोनाला श्रीनिवास साहब बोले फौरन मेरे कने आ जाओ। अब भाई कने आने के बाद भाई भी पूरा हमारे मेरे को लेके घूमे, मेरे भाई को भी लेके घूमे, अब इन्होंने भी पूरा उनका दुख दर्द पूरा देखे, ये हमारी रिक्वेस्ट कुछ भी नहीं साहब, तेलंगाना गवर्नमेंट KCR साहब से यही विनती है कि हॉस्पिटल हम बढ़ाओ, ये क्या बोलते गवर्नमेंट स्कूल है ग्राउंड है इसमें बेटा डाल के आप रिक्वायरमेंट करो, आपका पार्टी के लिए तो अच्छी बात है ना,
नहीं तो आवाम रोड के ऊपर आ जाती और केसेस भी आगे इतने बढ़ते कि बचाना मुश्किल। बस और कुछ भी नहीं, हमारा रिक्वेस्ट है केसीआर साहब से कि उन्हें बचाना, उन्हें आवाम को बचाना।